मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। किसान पिछले दो महीने से सड़कों पर है। हमारे साथ राज्यसभा सदस्य राजमणि जी मौजूद हैं। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। 26 जनवरी को रीवा में शिवराज सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री झंडा फहराने भी आ रहे हैं। हम इन छोटे छोटे ऐसे मुद्दे हैं जिनका असर देश की राजनीति पर निकट भविष्य में पड़ने जा रहा है। सर, मेरा पहला सवाल, जिस तरीके से किसान सड़कों पर है, सरकार लगातार मांग उनकी नहीं मान रही है, इसको आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से ये पूंजीवादी व्यवस्था की पोषक रही है। आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के साथ में रही है। भारतीय जनता पार्टी का DNA जो है अंग्रेज़ों का DNA हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है देश को बेचने का काम किया है। जो हमारे फायदे वाले PSU थे उनको बेचने का काम किया, और उसके बाद अब इनकी नियत है कि किस तरह से जो एक खेती है, किसानी का धंधा है, इसको कैसे पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दें। पूंजीपतियों के हाथ में सौंप, मैं बीच में आपको रोकूंगा। इसमें एक बड़ा सवाल मैं इसमें और भी आपकी बात में जोड़ूंगा, FCI को लेकर। जैसा कि FCI अभी तक ये लाल बहादुर शास्त्री ने आपदा के समय में FCI की स्थापना की थी 1965 में, जय जवान जय किसान के नारे के साथ। FCI संकट के समय में आम आदमी को राशन के लिए व्यवस्था के लिए बनाई गई थी। क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में FCI बंद हो जाएगी? निकट भविष्य इरादा ही है। सरकार ये समझती है कि जो PDS है, जो गरीबों को ना मिलता है, ये एक सरकार के ऊपर बोझ है। इसी वजह से सुनियोजित तरीके से सरकार ने, मोदी जी ने ये चाहा है कि FCI कैसे ख़त्म हो जाए। FCI का बजट 2014 से लेकर के आज तक हर वर्ष कम होता गया है, और FCI आज दिवालिया होने की कगार पर है। और वो चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम कर दो, कहना नहीं पड़े, आप से आप समाप्त हो जाए। और पूंजीपतियों के गोडाउंस तैयार हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं कृषि का, लेकिन उनके बड़े बड़े गोडाउंस तैयार हो गए। मैंने पहले से मिली भगत है कि हम इस बिल को लाएंगे, ऐसा करेंगे, आप पहले से तैयारी कर लो। तो पूंजीपति के बड़े बड़े गोडाउंस बन करके तैयार हो गए हैं। FCI आप से आप ख़त्म हो जाएगा। मोदी जी कहते हम ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज यही कहते थे जब यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने अपने माल पर टैक्स फ्री कर दिया, और हिंदुस्तान के जो फैक्ट्री का माल था उसमें 2 गुना उसके रॉयल्टी बढ़ा दी, टैक्स लगा दिया। तो ऑटोमेटिकली जो सस्ता था वहाँ सब चले गए, यहाँ का माल, यहाँ की फैक्ट्री सब बर्बाद हो, ख़त्म हो गई। अब जब ख़त्म हो गई तो मनमानी उसकी कीमत वसूलने लगे। तो यही चाहते हैं कि FCI माने ये सिस्टम ख़त्म हो जाए और पूंजीपतियों का उड़ान तैयार हो जाए। FCI ख़त्म हो जाए, सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं कैसे रहेगी, जब माने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई बंधन नहीं है, पूंजीपति के हाथ में चला जाएगा तो हमारा जो आज की मंडी मार्केट है तो ख़त्म हो जाएगी। जब मंडी ख़त्म हो जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, तब फिर पूंजीपति मनमानी कीमत बढ़ाएगा। वो समय सरकार क्या करेगी, इसका कोई जवाब नहीं देती। इस समय देश में दो एक बहुत गहम, अहम और गंभीर मुद्दे इस समय छाए हुए हैं। एक मुद्दा है, अभी एक बड़े TV चैनल के एक संपादक का एक चैट वायरल हुआ है, अर्नब गोस्वामी का। आप ये बताइए, जिस तरीके से ये चैट वायरल हुआ और उस पर देश के बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, इस पूरे मसले को आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, देखते हैं कि वही माने इनके DNA से जोड़ने का, उसको देखने का प्रयास करें। आज ये जो हो रहा है, ये जो पुलवामा हुआ है, इससे निश्चित रूप से संदेह जाता है कि 100% की राजनैतिक षड्यंत्र के तहत ये वारदात कराई गई है, जिसका माने अब धीरे धीरे अर्णव गोस्वामी के माध्यम से सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। सरकार की हिम्मत है तो इसके माने जांच करा करके माने इसको ओपन करना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार हर जगह यही करती है, हर जगह झूठ बोलती, झूठ के अलावा इनके पास सही नहीं है। जब राज्यसभा चालू होगी घेरेंगे क्या? आप तो जानते हैं अभी तो सदन होने वाला है। जब सदन था, जब ये बिल लाया गया, एक तो ये बिल लाया गया कोरोना काल में, अध्यादेश आया कोरोना काल में, जबकि कोई ज़रूरत नहीं थी, सारे काम बंद है, संस्थाएं बंद है, तो फिर अध्यादेश लाने की कौन सी ज़रूरत थी? लेकिन कमिटमेंट पूंजीपतियों के साथ अध्यादेश लाया गया। सदन में हम लोगों को एजेंडा उसी समय दिया गया। सदन में हम लोग चाहते थे, बोलना चाहते थे, 8 बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन वहाँ प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या की गई। जो सबसे बड़ी पंचायत इस देश की है, वहाँ हम लोगों को बोलने नहीं दिया गया, देश की और सबसे वोटिंग भी नहीं करने दिया। हाँ, नामे जबरदस्ती सारे सदस्य ना कह रहे हैं, और स्पीकर कह रहा है कि हाँ की जीत हुए और विधेयक
बना। हमें बोलने का मौका नहीं मिला, मैं सर रोकूंगा आपको बीच में, बोलने का मौका नहीं मिला जैसा कि आप लोगों को। एक केंद्र की राजनीति से अपन वापस लौटते हैं प्रदेश की राजनीति में। बिंद और महाकौशल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में पर्याप्त विधायक का यहाँ से समर्थन मिला था, लेकिन जब मंत्रिमंडल के विस्तार की बात आई तो एक भी मंत्री इस एरिया से नहीं बनाए गए। कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने दबी जबान से इस मुद्दे को उठाया भी था। अब जब 26 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने रीवा में झंडा फहराने का निश्चय किया है, तो क्या आपको लगता है जो विधायक असंतुष्ट हैं उनको संतुष्ट करना या कुछ और? इस मसले पर भी आपकी बात। देखिए, इस मसले में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं तो इतने कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत ही जो है अच्छी नहीं रही है। विंध्य प्रदेश के मामले में चाहे विकास का हो और चाहे आपने महाकौशल के पैकेज का हो, हर जगह चाहे यहाँ संसाधनों के खनन का हो, हर जगह माने भ्रष्टाचार किया है। पूंजीपतियों को फ़ायदा देने के लिए जो है कायदे कानून को बलाए ताक कर करके वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज एक ऐसा समय है इस देश के सामने, हमारे देश के किसानों ने आंख खोल दी है सरकार के और सोने वाले लोगों के, कि इस देश के साथ में क्या हो रहा है। अब सावधान हो जाओ, अब ज़रूरत इस बात की है कि जो जहां भी है, जो एक विचारधारा का है, जो समाजवादी विचारधारा का है, जो गरीब और किसान को अपनी ताकत मानता है, उस पर विश्वास करता है, जो जहां भी है, अब उसको एक मंच पर आ जाना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँ। एक मंच में आने से क्या फ़ायदा होगा? एक मंच पर होगा वैचारिक ध्रुवीकरण होगा। जो गरीब के हित वाली विचारधारा है, जो देश को बढ़ाने का वाली विचारधारा है, वो एक साथ होगी तो और मजबूती के साथ पूंजीवादी व्यवस्था को से लड़ाई लड़ेगी। पूंजीवादी व्यवस्था से लड़ाई लड़ने के लिए अब एक हो जाना चाहिए इस विचारधारा के लोगों का, ऐसा कहना था राजमणि जी का, राज्यसभा सदस्य हैं। जब भी सदन होगी उस किसान के सहित और तमाम मुद्दे जो ज्वलंत समस्या इस देश की, उसको पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी उठाएगी। हम लगातार उनसे बात करते रहे हैं और आगे भी आप तक उनकी जो भी बातें होंगी वो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।